सास बोली, अब तुम जमाई राजा से अगले जन्म में तुम ना क्या बनोगे, ऐसी बात चल रही थी। जमाई बोला, अगले जन्म में ना मैं छिपकली बनना चाहता हूँ। उसने बोला, क्यों छिपकली क्यों बनना चाहते हो? तो जमाई बोला, क्योंकि आपकी बेटी ना सिर्फ छिपकली से ही डरती है, बाकी किसी से नहीं डरती। बीवी बोली अपने पति को, मायके गई थी, बोली मैं ना तुम्हारी याद में ना 15 ही दिन हो गए, अभी आधी हो गई हूँ बस, बिल्कुल सूख गई हूँ, तो मुझे कब लेने आ रहे हो? तो पति बोला, 15 दिन और रुक जा, उसके बाद में आऊंगा तो चले, 15 दिन और रुक जाएगी तो पूरी खत्म ही हो जाएगी। तो एक आदमी बोला, मैं मरते वक्त ना इतने नशे में रहूं, इतने नशे में रहूं, यमदूते जब सामने देखें तो मैं बोल सकूं, पीछे बैठ, आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा, पता चले। प्यार तो हमको भी करना था, प्यार तो हमको भी करना था, पर अफसोस कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल तो हमें भी बनाना था, पर अफसोस तो यह है कि लोन ही पास नहीं हुआ। एक आदमी अपनी बीवी को लेके घबराए हुए डॉक्टर के पास पहुंच गया। तो डॉक्टर ने बोला, क्या हुआ? आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी ना 8 GB का मेमोरी कार्ड पूरा निकल गई और तब से ना गाने गा रही। तो डॉक्टर बोला, कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात क्यों नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, परेशानी से लिए हूँ कि वीडियो वीडियो फोल्डर पे ना पहुंच जाए कहीं मेरी बीवी, तो बस सारा चौपट हो जाएगा। एक पत्नी बोली, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कई साल में से मैं ना करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ, तुम एकदम बढ़िया चकाचक स्वस्थ एकदम हो, ऐसे कैसे हो गया? पति बोला, मैं नियम संयम से रहता हूँ, रोज अपना काम करता हूँ, खाता हूँ, स्वस्थ नहीं रहूंगा। तो पत्नी बोली, मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम बस ये बताओ कि कौन है वो जो तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, बताओ बस। रोगी बड़ी बीमारी।